एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस समय स्टॉक को लेकर के काफी सारे न्यूज ट्रेंड होते दिख रहे हैं। तो ये क्या न्यूज है, इसका शॉर्ट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसके टेक्निकल ट्रेंड क्या लगते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 के नीचे के लेवल, वही कुछ लोगों का 500 प्लस तक के लेवल भी एक्सपेक्टेशन है। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और एपिसोड में लास्ट तक जरूर बताएंगे। स्टॉक ने पिछले वन मंथ में नियर अराउंड 25% का करेक्शन दिखाया है। यहाँ देखेंगे वन मंथ के जो रिटर्न आए हैं वो भी इस समय देखेंगे तो एक फ्लैट ट्रेंड में ही कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है और बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल ट्रेंड होते दिख रहे थे कि नेक्स्ट अदानी वेदांता बनते दिखेगी, क्योंकि इसके जो डेट है उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास सफिशियंट फंड नहीं है। और इन चीजों को लेकर के ही देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज इस समय इस स्टॉक में ट्रेंड होते दिख रहा है। इन सभी न्यूज में दो तीन खबर है जो बहुत बड़ी है। पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज इस समय ट्रेंड हो रहा है वो ये दिख रहा है, नियर अराउंड 2 बिलियन डेट तो इस समय मुझे लगता है 2024 के आसपास में पे करने हैं और टोटल जो कंपनी के डेट इस समय पे करने हैं 3.6 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग देखेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का डेट होता है। और इस डेट को पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास सफिशियंट फंड है नहीं और ये डेट इसके पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्स के बॉन्ड होल्डर का है। तो इसको लेकर के देखेंगे तो कंपनी जो है एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल करी है 21 सितंबर को, जिस दिन ये निर्णय लिया जाएगा कि अगर ये जो भी बॉन्ड होल्डर हैं उनसे बात की जा रही है कि थोड़ा इसको एक्सटेंड करके 2027 तक कर दिया जाए। अगर इसमें बोर्ड कामयाब होती है तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा, नहीं तो लोअर साइड के ट्रेंड भी दिख सकते हैं। अब देखेंगे तो ये न्यूज क्या है, यहाँ देखें वेदांता शेयर ट्रेड हायर अहेड ऑफ बोर्ड मीटिंग टू मूल एनसीडी टू 2 बिलियन लोन ड्यू डेट नियर, जो 2 बिलियन का ड्यू है लगभग 16-17 हजार करोड़ का, वो इस समय पेमेंट करने के डेट काफी नजदीक है, 2025 तक ही पे करने हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कंपनी के पास सफिशियंट फंड तो है नहीं, इसके लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है कि इस डेट को बॉन्ड होल्डर के साथ बातें करके इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए और फिर इस फंड को कैसे पेमेंट करा जाए, यहाँ यही न्यूज देखेंगे। और ये जो जो टोटल फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जो टोटल डेट है लगभग जो हमने कहा 30,000 करोड़ का, ये किसके रिसर्च के अनुसार है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इस चीज को कहा है और यहाँ यही न्यूज इस समय ट्रेड होते दिख रही है। इसके अलावा भी कुछ निगेटिव भी न्यूज रहे, कुछ पॉजिटिव भी न्यूज रहे। S&P 500 जो S&P के जो रेटिंग है वो इसको इस समय डाउनग्रेड करा है और उसका ये कहना है कि हो सकता है यहाँ रिस्क काफी बड़ा दिख रहा है। और आप समझिए कि अभी तक ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है और अगर डिफॉल्ट होता है तो ये काफी बड़े न्यूज बनेंगे और काफी सेलिंग आते इस समय दिख सकता है। इसके साथ यहाँ देखेंगे तो ये एक बड़ी खबर और ये रही है 1.5 मिलियन, यहाँ देखेंगे 1.5 मिलियन इस समय गोवा के गवर्नमेंट ने इस पे लगा दिया है पेनल्टी। इसलिए तो जो स्टोन्स का एक्सट्रैक्शन कर रहा था वो अनऑथराइज था और ये भी एक निगेटिव न्यूज रही। यहाँ देखेंगे माइन सेक्रेटरी ऑफ द गोवा गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड सीता रिसोर्सेज लिमिटेड, जो कौन है सीता रिसोर्सेज, ये है वेदांता की खुद की सब्सिडरी कंपनी जिसको इतना फाइन लगा दिया है। जी पावर किसने 25 करोड़ के ऑर्डर दिए, एबीबी यहाँ पावर मेक को भी ऑर्डर दिए, लेकिन इस समय थोड़ा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। यहाँ देखेंगे कि वेदांता पेरेंट वेदांता रिसोर्सेज लाइकली डिस्कस एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ बॉन्ड ड्यू 2024-25 को 2027 करना चाह रही है एज पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज इन द मीटिंग हेल्ड विद इन्वेस्टर इन हांगकांग, जो कि अर्लियर ही हमने कहा जो 24-25 के ड्यू है उसको 2027 जो है इसके बोर्ड मीटिंग में निर्णय करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही देखेंगे मूडी इन्वेस्टर सर्विस वेदांता रिसोर्सेज लाइकली टू एक्सपोज टू रिफाइनेंस रिस्क बिकॉज प्रपोज फ्रॉम मैनेजमेंट फी एंड डिविडेंड फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग सब्सिडियरी विल लाइकली बी इनसफिशिएंट टू मीट अपकमिंग डेट्स मैच्योरिटी। जो मूडी है, मूडी की रेटिंग को काफी बढ़िया माना जाता है और S&P की रेटिंग भी जो है
वो इस समय डाउनग्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑपरेशनल सब्सिडरीज या डिविडेंड की जो भी मैनेजमेंट फीस आने हैं उसको मिला करके भी जो डेट है वो पेमेंट नहीं हो सकता है। ये सब कुछ न्यूज रही। टेक्निकल ट्रेंड अभी भी देखेंगे तो स्टॉक काफी वीक है, अपने जो सेक्टर है उसके यहाँ थोड़ा बहुत जो है सेक्टर भी करेक्ट हुई है। इससे पहले सेक्टर परफॉर्मिंग थी तब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म था, और यहाँ जो डिलीवरी है वो डिलीवरी काफी बड़ी दिख रही है। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो इस स्टॉक में भर भर के माल को दबा रहे हैं। यहाँ टेक्निकल ट्रेंड सभी देखेंगे, सुपर ट्रेंड, एमएससीडी, डिलीवरी वॉल्यूम सभी दिखे हैं। लास्ट जो डिलीवरी के साथ ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है। एक बार इसके चार्ट को देखें, इससे पहले एक बार इसके चार्ट को ही देखेंगे क्योंकि वॉल्यूम देखने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रेकडाउन रहा था उसके बाद एक कंसोलिडेट वॉल्यूम में है। यहाँ देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो नियर अराउंड 246 के ऊपर का जब तक ब्रेकआउट नहीं करे तब तक इस स्टॉक को डाउन नहीं करेंगे। वर्टिकल सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ ये 228 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 200-180 तक के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो अगर मैं उन एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन बढ़ते, एक बार मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी देखेंगे तो इस समय जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये मल्टी टाइम जो है सपोर्ट रहा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये अर्लियर ये रेजिस्टेंस रहा था, यहाँ ये रेजिस्टेंस रहा था, यहाँ ये सपोर्ट बना था। यहाँ देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस रहा था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया था और इससे पहले यहाँ रेजिस्टेंस रहा था। एक ऐसा लाइन जहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ले रहा हो वो एक मेजर ट्रेंड लाइन माना जाता है, और इस समय ये स्टॉक अपने मेजर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। ये अगर 228 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये जो लो आपको दिख रहा है नियर अराउंड 200 के आसपास के वो लोग टच होंगे और मैक्सिमम डाउन ट्रेंड 160। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं?